जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है और सावन के महीने में बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं, जिसमें देखिए 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। इनको मन वांछित संतान सुख के भी योग बने हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो सावन के महीने में 9 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन जो 5 राशियाँ हैं उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होने जा रही है, तो उन 5 राशियों की हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महाकाल का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों को सावन के महीने में जो भक्त हैं कांवड़ लेकर आते हैं और गंगा स्नान का सबसे अधिक महत्व माना जाता है, तो आप प्रतिदिन या सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और नित्य प्रति मतलब एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप भगवान शंकर का मतलब स्नान अवश्य कराएं, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। भगवान शंकर की प्रिय वस्तु भांग धतूरा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। साथ ही आपको हम एक उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, आपको भगवान शंकर का पूजन तो अवश्य करना है, साथ ही आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको एक मतलब जो धतूरा होता है, धतूरे का फल लेना है। धतूरे के फल पर सफ़ेद या पीले चंदन से तिलक करना है और आपको लेना है कलावा और अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार कलावा लपेटना है धतूरे पर और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साथ ही दोस्तों, आपको भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाना है। इस दिन आप मतलब खीर का भोग लगाएं, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और भगवान शंकर को भोग लगाएं और उस प्रसाद को पति पत्नी अवश्य ग्रहण करें। साथ ही दोस्तों, दूसरा जो उपाय है ये भी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। इसके लिए देखिए, आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और आपको 31 दाने चावल के लेने हैं। 5 बेलपत्र पर आपको सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चिकनी साइड से आपको मतलब वो बेलपत्र चढ़ा देना है और जो आखिरी यानी 5वां जो बेलपत्र है उस पर आपको 31 दाने चावल के रखने हैं और अपने सीधे हाथ में रखकर बेलपत्र और उसके ऊपर आपको अक्षत रखने हैं। 31 या 11 दाने अवश्य अक्षत के रखें और चावल बिल्कुल भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल रखने हैं और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखना आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, आपको पूजा करने के बाद शिवलिंग से एक बेलपत्र उठा लाना है और रात्रि के समय जिस भी स्त्री को संतान नहीं हो रही या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसे भगवान शंकर से प्रार्थना करके उनका ध्यान करके उस बेलपत्र को अपनी नाभि पे रखकर सोना है और दूसरे दिन आपको उस बेलपत्र को अपने ही घर के किसी गमले में दबा देना है। दोस्तों, आप चाहे 1 घंटा ही मतलब बेलपत्र को अपनी नाभि पर रखकर सोएं, लेकिन आपको बेलपत्र को अवश्य अपनी नाभि पर रखकर यानी चिकनी साइड से रखकर आपको सोना है और दूसरे दिन उसे किसी भी अपने घर के गमले में ही उसको दबा देना है। देखना, भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन उपायों को सभी राशि वाले अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, देखिए सावन माह में बहुत अच्छे और बड़े बड़े योग बने हुए हैं और इन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने के योग बने हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि में देखिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जा रहा है। मेष राशि के जातकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का भी योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इनको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इनको करियर में तरक्की के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही इनको पुत्र संतान के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि। ये 5 राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें सावन के महीने में बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे और साथ ही ये उपाय अवश्य करें, तो देखना आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।